और इस बीच आपको हम बड़ी खबर बता दें जो सुप्रीम कोर्ट से हमें मिल रही है। आरए मामले को लेकर वहां सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है इस मामले में। कोर्ट का ये कहना है कि जो पेड़ कट चुके हैं वो कट गए, लेकिन अब आगे पेड़ की कटाई पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आरए मामले को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि वहां पर जबरदस्त तरीके से विरोध देखने को मिला था। लोगों ने ये विरोध किया, छात्र वहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे थे। करीब 29 छात्रों को हिरासत में भी लिया था पुलिस ने, लेकिन अब कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो कोर्ट ने इस पर क्लियर कट ये कहा है कि आगे से पेड़ों की कटाई नहीं होगी। हालांकि इससे पहले जब सुनवाई चल रही थी तो कोर्ट ने अहम सवाल भी पूछा कि क्या ये जंगल है या फिर इको सेंसिटिव जोन है। लेकिन इसी मामले में आगे जब बात पहुंची, सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने ये बड़ा आदेश दिया है, कटाई पर रोक लगाई है पेड़ों की कटाई पर कोर्ट ने। तो यहाँ पर एक बड़ी राहत माना जाएगा इस मामले को, इस लिहाज से क्योंकि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने ये भी कहा कोर्ट को कि जब तक सुनवाई शुरू होगी तब तक तो पेड़ कट चुके होंगे, लिहाजा इस पर तत्परता दिखाई जाए। कोर्ट ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया। संजय शर्मा जुड़ गए हैं हमारे साथ। संजय, बड़ी खबर कोर्ट से, रोक लगा दी है पेड़ों की कटाई पर। कोर्ट ने ये कहा है कि अब अगले आदेश तक कोई भी पेड़ नहीं कटेगा। कोर्ट ने कई सारे तरह की चीजें पूछी हैं और महाराष्ट्र सरकार ने ये दलील दी है कि 33,000 एकड़ का वो फॉरेस्ट है, उसमें से हमने सिर्फ कुछ एरिया, बहुत ही कम एरिया है, 10% से भी कम, जो हमने यहाँ पर विकास कार्य के लिए दिया है वो कभी भी नो डेवलपिंग जोन तो था लेकिन कभी भी संरक्षित वन की भूमि कभी नहीं रही। कोर्ट ने कहा है कि हम इन तमाम आपके दावों की और इन याचिकाकर्ताओं के पॉइंट्स की जांच करेंगे, हम इसमें देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब जितने पेड़ कटे वो कटे अब, लेकिन कोई भी पेड़ अगले आदेश तक नहीं कटेगा जब तक इस मामले में कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं हो जाता है, पूरी जांच नहीं हो जाती है। महाराष्ट्र सरकार ने भी हामी भरी है कि अब वो कोर्ट के आदेश के बगैर कोई भी पेड़ नहीं काटने जा रही है। फिलहाल वहां पर अभी तक पेड़ों की कटाई चल रही थी। विदेशों से मशीनें मंगाई गई हैं जो बिल्कुल बहुत ही तेजी से पेड़ काटती है और मेरे ख्याल से 2000 के करीब पेड़ वहां पर कट चुके हैं। रात भर में 1500 पेड़ कट गए और इसके बाद भी किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा था। ऐसे में ऐसी आशंका है कि अंदर अभी भी कटाई चल रही होगी। ये बड़ी जानकारी संजय आप दे रहे हैं और इस लिहाज से अब कोर्ट का फैसला और अहम हो जाता है। लेकिन संजय, अब आगे क्या माना जाए जब ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अब अगली सुनवाई तक कम से कम रोक है। यकीनन दलीलें जो है दूसरे पक्ष की तरफ से भी दी गई होंगी, चाहे वो पक्ष चाहे मेट्रो विभाग का हो या फिर सरकार का हो। क्या एग्जैक्टली और कोर्ट में हुआ दलीलों को लेकर? कोर्ट में दलीलों को लेकर यही हुआ कि याचिकाकर्ताओं ने बहस शुरू की और उन्होंने कहा कि ये पेड़ जंगल की जमीन है, आदिवासियों के घर है वहां इलाके में, इसके बावजूद उसे जबकि संरक्षित वन घोषित किया जाना चाहिए लेकिन सरकार इसे उलट जाकर वहां पेड़ कटा रही है। और सिर्फ सरकार वहीं तक नहीं रुकेगी कि रेलवे का, मेट्रो रेल का यार्ड बनाया जाए, उसके बाद विकास की और गतिविधियां होंगी, यानी विकास की कुल्हाड़ी जब पर्यावरण पर चलेगी, ऐसे ही वहां पर्यावरण बहुत मुश्किल में है, जंगल के जानवर बस्तियों तक आ रहे हैं। अब जो भी जंगल की जमीन बची है अगर उसका भी अतिक्रमण किया जाएगा तो आगे पर्यावरण को और उसमें जंगलों में रहने वाले जीव जंतुओं का क्या होगा, इन तमाम उस पर यह बताया गया कि एक लंबी कानूनी लड़ाई चली है जिसमें हाई कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को तरजीह दी है। 4 जगह वहां पर ईयर मार्क किए गए थे मेट्रो का यार्ड बनाने के लिए, लेकिन उसमें आरए कॉलोनी के पास वहां उस जंगल की जमीन को सबसे मुफीद बताया गया क्योंकि वो मेट्रो स्टेशन से और बाकी सब जगहों से नजदीक है, लिहाजा वहां पर हमारे साथ मुंबई से विद्या भी जुड़ गई है। संजय, एक विद्या के पास मैं चलूंगी। संजय, एक क्लैरिटी आपसे लेना चाहेंगे, जब कोर्ट ने ये पूछा कि ये जंगल है या फिर इको सेंसिटिव जोन है, इस पर क्या जवाब दिया गया कोर्ट में? इस पर यह जवाब दिया गया कि वो नो डेवलपमेंट जोन था लेकिन इको सेंसिटिव, मतलब इको सेंसिटिव जोन कभी नहीं था, जंगल का, संरक्षित जंगल का इलाका कभी नोटिफाइड नहीं था, लिहाजा ऐसे में पेड़ काटने को लेकर हमारे मन में यानी सरकार के मन में किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी। उनको ये लग रहा था कि जब ये नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया नहीं है तो ऐसे में यहाँ पर पेड़ काटे जा सकते हैं क्योंकि पर्यावरण जो कानून है, जो नियम है, उसके मुताबिक एक पेड़ के 10 गुना पेड़ या 5 गुना पेड़ जैसा जिस समय जरूरत होती है वैसा लगाया जाता है। तो इन्हें लगा कि ऐसा कुछ करके और हम काट के निकल जाएंगे, यहाँ पर ये मेट्रो यार्ड बनाया जा सकेगा, लेकिन वहाँ के सजग
नागरिकों ने इस मामले में विरोध जताया, न केवल कोर्ट तक गए बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने इस बात का पीछा किया और हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया और कोर्ट से यह आग्रह किया कि वो सुओ मोटो इस मामले में कार्रवाई करे, क्योंकि इससे पर्यावरण और खास तौर से पर्यावरण ही नहीं पूरी मानवता को नुकसान है। और इसीलिए हम भी बार बार ये कह रहे हैं कि ये मामला न सिर्फ निर्णायक और मिसाल बनेगा इस केस के लिए, बल्कि आगे भी अगर इस तरह के मामले होते हैं तो उसमें इस केस की मिसाल दी जाएगी। विद्या, बड़ी खबर कोर्ट से आ रही है कि अब अगली सुनवाई तक कम से कम रोक लग गई है पेड़ों की कटाई पर, लेकिन संजय ये भी बता रहे हैं कि रात भर में भी वहां कटाई हुई है और अब आगे ये ऑर्डर वहां तक क्या पहुंच चुका है, अभी किस तरह के रिएक्शन आपको वहां से मिल रहे हैं? देखिए, इस वक्त मीनाक्षी मेरे साथ निमेश खन्ना है, जो फ्राइडे यानी कि शुक्रवार की रात को मैंने इनको देखा था कि ये वहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ से पुलिस लोगों को ने भगा दिया था, कई सारे लोगों को, लेकिन आप अभी फिर वापस आए हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है कि स्टे है, आपको लगता है ये अब पेड़ की कटाई नहीं होगी यहाँ पर? अभी अगर आप जैसा बोल रहे हो कि वो लोग ने ऑर्डर दिया है कि पेड़ नहीं कटने चाहिए और, तो आई होप कि भाई वो वैसा फॉलो करें ये लोग। एंड उस रात जब भी हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उस रात भी हम लोग को पुलिस ने बोला था कि, मतलब हम लोग वीडियो पे वो लोग को बोल रहे थे कि बताने को कि आप लोग नहीं काटोगे, बट नेक्स्ट डे से कटाई चालू हो गई थी। तो हम लोग को, मतलब वो हार्ट ब्रेकिंग चीज़ है क्योंकि वो सच नहीं बोल रहे थे वो लोग। अगर आप अभी बता रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे दिया है तो दैट्स रियली गुड। एक्चुअली हम लोग को ये सब और चाहिए एंड पुलिस को यहाँ से अभी हटना चाहिए क्योंकि ये लैंड सबका है। जैसा निमिश कह रहे हैं, ये जमीन सबकी है, सरकारी जमीन है, तो यहाँ पर इस तरह से प्रबंधन जैसे लगाए गए, आप देख लीजिए यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जो गाड़ियाँ हैं आरे के अंदर आ तो सकती हैं लेकिन ये मुख्य रास्ता जो है, जो कार शेड को जाता है, वो अभी भी यहाँ पर उसको ब्लॉकेड है, उसको अंदर लोगों को नहीं दिया जा रहा है। लोग जिरह कर करके थक जा रहे हैं लोगों पुलिस के अधिकारियों के साथ कि इनको यहीं जाना है, सीधा रास्ता जाता है बाकी इलाकों में, लेकिन वहाँ लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है, ये अभी भी चल रहा है। लेकिन आखिर अंदर कार शेड के अंदर हो क्या रहा है, इसकी जानकारी फिलहाल किसी के पास नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट विद्या आपने बोला कि अंदर क्या हो रहा है इसकी जानकारी नहीं, और इसी बात का इशारा जो है संजय भी अपने बातचीत में कर रहे थे कि रात भर भी वहां कटाई हुई है, और अगर अप्रॉक्सीमेट माने करीब 1500 पेड़ों की कटाई रात भर में भी हुई होगी, ऐसी मशीनें विदेशों से मंगवाई गई हैं, तो लिहाजा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम ये हो जाता है कि कोर्ट के आदेश के बाद अब कम से कम उस आदेश की फौरन तामील हो ताकि आगे कटाई पर रोक लगे। संजय, और कोई नई जानकारी आपके पास? 21 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई के लिए इसे लिस्ट किया गया है, और साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ये बताए कि अब तक कितने पेड़ काटे जा चुके हैं, कितने पेड़ लगाए हैं, कितने पेड़ और लगाने की उनकी योजना है, और साथ ही मुझे लगता है कि कोर्ट इस मामले में ये भी परस्यू करेगा कि कितने पेड़ मोर्टेलिटी यानी कितने पेड़ सूख रहे हैं, कितने पेड़ लगे हैं, उसकी रेगुलर रिपोर्ट ली जाए। क्योंकि पहले भी कोर्ट इस तरह के मामलों में सरकारों से पूछ चुका है कि आखिर आपने जो पेड़ लगाए, जैसे आगरा ताजमहल का मामला था, उसमें कोर्ट ने कहा कि आप तो कह रहे हैं कि आपने इतने लाख पेड़ लगाए, इतने तो सूख गए हैं, ये रिपोर्ट आ रही है, ये तस्वीरें देखिए, आपने क्या किया है। तो इसको देखते हुए इसी कोर्ट से, 4 नंबर कोर्ट से ही ये सारी चीज़ें हुई हैं, लिहाजा मुझे लगता है कि इसमें कोर्ट ये भी कहेगा कि आप समय समय पर ये रिपोर्ट भी दें कि आपने जो पेड़ लगाए हैं, पौधे लगाए हैं, यानी सरकार पेड़ लगाने की बात करती है, ये देश में इसीलिए मुश्किल है कि लोग पौधारोपण की नहीं, सीधा वृक्षारोपण की बात करते हैं और वो पौधे कभी वृक्ष बन ही नहीं पाते हैं। लिहाजा अब कोर्ट ये कह सकती है कि आप समय समय पर ये रिपोर्ट दें कि आपके पौधे कितने लहलहा रहे हैं और कितने सूखे हैं। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार के लिए 2 हफ्ते में ये बताना है कि आखिर उन्होंने कितने पेड़ लगाए हैं, कितने पेड़ काटे हैं, और याचिकाकर्ताओं से भी ये कहा गया कि जो दस्तावेज कोर्ट ने मांगे हैं वो सारे दस्तावेज पेश करें। मेट्रो रेल से भी ये पूछा गया कि आखिर उनके पास 4 विकल्प थे, उन्होंने इसी विकल्प को क्यों चुना, और ये अब जवाब जो है, जो पूछा गया है कोर्ट की तरफ से सवाल, ये बहुत अहम होगा कि आखिर अब इस पर क्या जवाब आगे दिया जाता है। विद्या, जिस बात का जिक्र संजय कर रहे हैं कि कोर्ट ने क्लियर ये पूछा है कि अब तक कितने पेड़ काटे जा चुके हैं, उससे आगे की बात यह भी है कि बीती रात भी कटाई हुई है और जब से कटाई चल रही है विदेशों से भी मशीनें मंगवाई गई हैं, तो ऐसे में जो लक्ष्य था, जितने पेड़ काटे जाने थे, काफी हद तक मुमकिन है कि वो ऑलरेडी काटे जा चुके हों अब तक। जी बिल्कुल मीनाक्षी, यहाँ तक कि जो लोगों का मानना है कि अगर शुक्रवार की रात 8 बजे के आसपास जो पेड़ कटने शुरू हुए थे, अगर उनकी कटाई वो जिस रेट से, वो उस समय 1 घंटे के अंदर तकरीबन 300-400 पेड़ कट गए थे,
हालांकि शुक्रवार की रात को जब विरोध प्रदर्शन हुआ था उसके बाद रोकना भी पड़ा था उन्हें काम, लेकिन उसके बाद से जो विरोध प्रदर्शन तकरीबन 3 बजे रात में शुक्रवार की और शनिवार की सवेरे के बीच में जो वो शुरू हुआ, उसको इतना समय तो नहीं लगना चाहिए था। जिस रेट से वो काट रहे थे उससे जाहिर था कि वो अभी तक में पेड़ उन्होंने मोस्टली ज़्यादातर काट दिए होंगे, लेकिन फिर भी याचिकाकर्ताओं का ये मानना है कि अगर एक पेड़ भी अगर वो बचा सके तो ये बहुत बड़ा होगा उनके लिए, और इसी वजह से ये याचिका सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाया गया था। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने शनिवार को इसमें राहत देने से मना कर दिया था, लेकिन जैसे ही रविवार की शाम को चीफ जस्टिस के पास एक लेटर पहुंचाया गया और उन्होंने इसकी सुनवाई के लिए 2 डिवीजन बेंच का जो गठन किया स्पेशल बेंच का, तो आखिरकार एक सफलता ज़रूर मिली है। लेकिन यही लोगों को अभी भी आशंका है कहीं ये बहुत देर ना हो गई हो, कहीं सारे पेड़ ना कट गए हों, ये अभी भी आशंका है। और इसी वजह से लोग अंदर जाके बस जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या हुआ है, कितने पेड़ कटे हैं वहाँ पर, कितनी क्या कोई गिनती बाकी रह गई है किसी पेड़ की जो अभी भी वो बचा सकें, तो यही चीज़ वो जानना चाहते हैं। लेकिन अभी सरकार की तरफ से इस बात की कोई जिक्र नहीं हो रहा है कि वाकई कितने पेड़ कटे हैं, कोई नंबर्स नहीं बताए जा रहे हैं। हालांकि देखिए विद्या, कोर्ट ने फिर भी ये पूछा है कि आखिर कितने पेड़ काटे गए हैं, इसका जवाब दिया जाए। अब देखना ये होगा कि आगे अगली सुनवाई जो कि 21 अक्टूबर तारीख तय की गई है उस दिन वहां पर क्या होता है। लेकिन बड़ी बात विद्या जो आपने भी कही लोगों से बात करके, ये अपने आप में एक मिसाल है कि जो लोग वहां प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे अगर वो ये कह रहे हैं कि जो पेड़ कट गए वो कटे लेकिन अगर हम एक पेड़ को भी बचा सकते हैं तो ये हमारी जीत होगी, ये अपने आप में ये बात दर्शाता है कि पर्यावरण को लेकर लोग आखिर किस हद तक सोच रहे हैं। और ये एक अपने आप में ऐसी लड़ाई है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब अमेरिका दौरे पर गए तो वहां पर यूएन में भाषण दिया, जलवायु परिवर्तन को लेकर उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही, और ऐसे में पर्यावरण को बचाने को लेकर विकास कैसे समग्र हो, कैसे समन्वय तरीके से आगे बढ़े, इसे लेकर क्या हमारे पास कोई पॉलिसी है, और एक देश के तौर पर, एक प्रशासन के तौर पर हम कैसे उसमें आगे बढ़ते हैं, ये मिसाल यहां से तय होगी। अब विद्या, लेकिन जो जानकारी हमारे पास अभी सामने आ रही है, अब अगली सुनवाई तक तो कम से कम इंतजार करना है, लेकिन इसके बीच क्या तैयारी जो एक्सपर्ट्स वहां पर हैं, जो पर्यावरणविद है, उनकी रहेगी इस मामले में आगे बढ़ने को लेकर? अब देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैं निमिष से भी बात करूंगी, निमिष आप लोग किस तरीके से इस पूरे मामले को आगे ले जाएंगे? अब आप खुद एक ब्लॉगर हैं, आप पूरे आरे में जिस तरह से पेड़ कटाई हो रही थी उसको आपने कैप्चर करने की कोशिश की थी, लेकिन क्या वो सुप्रीम कोर्ट तक आप लोग ये बात किस तरह से पहुँचाएंगे कि ये मामला जो है ये सिर्फ आरे का नहीं है, ये पूरे पर्यावरण का है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मतलब उन्होंने एफर्ट लिया कि वो मतलब स्टेटमेंट देने के लिए कि ये स्टॉप करना चाहिए कटिंग, दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़। लेकिन अगली सुनवाई अक्टूबर के अंत में। ओके, तब तक अभी हम लोग के ऊपर है, द सिटीजन्स जो मुंबईकर्स है वो लोग के ऊपर है कि वो लोग कितना एफर्ट डाल सकते हैं। ठीक है विद्या, एक सेकंड आपको मैं रोक रही हूँ, लॉयर्स यहाँ पर कुछ बोल रहे हैं। पहले ये कहना चाहते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट A happy Navami to you. And on Navami day, it is very good that the Supreme Court, moved by these young law students, has seen fit to record the Solicitor General's statement that there will be no further cutting of trees in the RA forest. Consequent to that, we made a request to the Supreme Court that there should be no further activities in the garb of clearing or cutting the already cut trees. The Supreme Court has therefore been kind enough to say to record the Solicitor General's statement that there will be no further cutting and that status quo will be maintained until the next hearing of the case on the 21st of October. We are very grateful to the Supreme Court for its intervention. सुप्रीम कोर्ट ने ये सोलिसिटर जनरल साहब का बयान रिकॉर्ड पे ले लिया है कि जो पेड़ काटने थे अब तक कट गए हैं और आगे और कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। हमने ये रिक्वेस्ट किया था कि
जो पेड़ कटे हैं उसे उसके क्लियरिंग के बहाने और कुछ नए पेड़ ना कटे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अगले सुनवाई तक जो जो यथास्थिति है वही बनी रहे। क्या कंस्ट्रक्शन को लेकर भी कोर्ट ने कुछ आदेश पारित किया है? देखिए, पेड़ और नहीं कटेंगे, यथास्थिति बनी रहे, उसका मतलब साफ है। कितने पेड़ तक काटे गए हैं एग्जैक्टली, अब बचा ही क्या है पेड़ काटने? कंस्ट्रक्शन के काम हो सकते हैं वहां पे या नहीं, इसको लेकर कुछ यथास्थिति बनी रहे? तो 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 जो अब तक पेड़ काटे गए हैं उसी यथास्थिति चलती रहेगी 21 अक्टूबर तक, तो मुझे नहीं लगता है और कुछ होने वाला है। शुक्रिया। हमारे पास जानकारी नहीं है, पर सोलिसिटर जनरल साहब कहते हैं कि जितने पेड़ उन्हें मेट्रो को काटना था उन्होंने काट लिया है। शुक्रिया। तो जितने पेड़ कटने थे वो काटे जा चुके हैं, लेकिन इस पूरे मामले की गंभीरता को समझते हुए कोर्ट ने पूछा है कि आखिर जो दूसरे पेड़ बदले में लगाए जाएंगे उन्हें लगाए जाने की स्थिति क्या है और कितने पौधे आखिर पेड़ बन पाते हैं अपने जीवन काल में। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।